Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some subjective type important questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy. ये chapter से हम लोग कुछ subjective questions important देख रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं जिसमें पूछा गया था कि जो स्टोरी का एंडिंग किस तरह से चाहती थी. ये पूछा गया था, हाउ डिड जो वांट द स्टोरी टू एंड. ये पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में. तो उसमें आपको आंसर में बताया गया कि जो चाहती थी कि जब मदर स्कंक लेकर के गई तो ये गलत किया उसने विजार्ड को मार करके और स्मेल चेंज करा करके. मतलब जो के अकॉर्डिंग मदर विलेन थी, नेगेटिव कैरेक्टर थी और विजार्ड पॉजिटिव कैरेक्टर था, गुड पर्सन था, काइंड पर्सन था और मार एक्चुअली में मदर स्कंक को पढ़नी चाहिए थी क्योंकि उसने अपने बेटे का अच्छा स्मेल चेंज करवा दिया जिसके वजह से जो फ्रेंड्स उसको मिले थे, जो हैप्पीनेस रॉजर स्कंक को फर्स्ट टाइम मिला था वो हैप्पीनेस उससे छीन लिया उसकी मदर ने, उसका रोज़ वाला स्मेल वापस से चेंज करा के. तो मदर को स्टूपिड मॉमी बोलती है और वो चाहती है कि स्टोरी के एंडिंग में विजार्ड शुड हिट रॉजर्स मॉम राइट ओवर हर हेड विथ हिज मैजिक स्टिक, ऐसा वो चाहती है. क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है. हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है. क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से भी है. बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 21 में पूछता है, हाउ वॉज द स्कंक्स स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज नरेटेड बाई जैक. अब जो स्टोरी हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में, उस स्टोरी में जैक नाम का फादर जो था वो अपनी 4 साल की बेटी को स्टोरी सुनाता था अपने मन से, आउट ऑफ हिज माइंड, मतलब प्योर इमेजिनेशन से. ठीक है, उसमें वो अपने कैरेक्टर्स रखता था खुद से, एक बेसिक टेल पर आधारित होती थी उसकी हर कहानी जिसमें रॉजर नाम फिक्स रहता था, उसमें विजार्ड ज़रूर रहता था कहानी में, उसमें आउल ज़रूर रहता था. तो इस स्टोरी में जो रॉजर स्कंक का स्टोरी है, ये स्टोरी जैक के बताए हुए बाकी सारे स्टोरीज से अलग कैसे है. Why और how the story of skunk, मतलब ये रॉजर स्कंक का स्टोरी जो हम लोग पढ़ें, different from the other stories narrated by Jack. मतलब कि ये स्टोरी में और बाकी स्टोरीज में क्या डिफरेंस था. अगर बेसिक टेल पे जाओ
तो ये स्टोरीज भी तो बाकी स्टोरीज के तरह ही सुनाया था, ओल्ड बेसिक जो पुराना जो उसका एक बना हुआ रूटीन था जिसमें रॉजर नाम का क्रिएचर हर बार रहता था, वो लिटिल क्रिएचर वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम में पड़ता था वगैरह वगैरह। तो ये स्टोरी तो इसमें भी हुआ सेम कि रॉजर स्कंक नाम का यहाँ स्कंक क्रिएचर बना, रॉजर स्कंक नाम का क्रिएचर बना और विजार्ड भी इसमें था, आउल भी इसमें था। रॉजर स्कंक इसमें भी एक प्रॉब्लम में पड़ता है, उसके लिए रॉजर स्कंक जाता है आउल के पास, आउल सजेस्ट करता है कि जाओ विजार्ड के पास, विजार्ड उसका प्रॉब्लम दूर कर देता है मैजिक स्पेल से। तो ये पूरा जो स्टोरी चल रहा था स्कंक वाला, ये स्टोरी तो पहले नरेट किए गए स्टोरीज के जैसा ही बिल्कुल चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर जा कर के ये स्टोरी बाकी सारे स्टोरीज से अलग हो जाता है, कहाँ जा कर के, किस पॉइंट पर जा कर के। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत मतलब जो लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, सही तरीके से पढ़े होंगे, तो इसका आंसर वो लोग अच्छे से दे पाएंगे और समझ पाएंगे। पहले तो डिफरेंस पूछ रहा है, वो डिफरेंस समझते हैं कि पहले के स्टोरीज़ में और ये रॉजर स्कंक के स्टोरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक वर वेल टेकन बाय जो। यहाँ देखो एक वर्ड यहाँ ये यूज़ किया है ना, वेयर वेल टेकन बाय जो, इसका ये एक टर्म है, इसका मतलब हो गया कि जो स्टोरीज जैक सुनाता था, जो उसकी बेटी स्टोरीज को बिल्कुल सच मान करके, ट्रुथ मान करके और सुनती थी। कब? जब 2 साल के उम्र में उसको स्टार्ट किया कहानी सुनाना, तब। कब तक चुपचाप से सुनती रही? 4 साल की उम्र तक। वो जैक द्वारा जितनी कहानियां बताई गई वो सारी कहानियों से जो बिल्कुल संतुष्ट रहती थी, एग्रीड रहती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता था और कहानी सुन करके खुश होती थी और रूटीन के अनुसार कहानी सुन करके सो जाती थी। तो पूछ रहा है कि इस कहानी में डिफरेंट क्या हुआ? जो पहले जो स्टोरीज जैक बताता था वो स्टोरीज जो मतलब अच्छे से लेती थी, अच्छे से लेने का मतलब हुआ कि उसको ट्रुथ मानती थी, कोई सवाल नहीं करती थी, कोई रीज़न नहीं पूछती थी। द एंडिंग ऑफ स्कंक्स स्टोरीज डिड नॉट सेटिस्फाई हर। ये हो गया की सेंटेंस आंसर का, कि बाकी स्टोरीज से ये स्टोरीज में डिफरेंट कहाँ आया, यहाँ आया डिफरेंट एंडिंग में। बाकी सारे स्टोरीज के एंडिंग से जो कभी डिसएग्री नहीं की थी, बाकी जितना भी कहानी सुनाया गया था उसको, तो जो भी कहानी का एंडिंग होता था जो उस पर सवाल नहीं करती थी, मतलब कि उसको ट्रुथ मान करके और उसको सही मान करके उसको समझती थी, सही गलत का फैसला नहीं करती थी, ओपिनियन अपना नहीं बनाती थी, जो फादर बोल दिए वही ट्रुथ है ऐसा समझती थी वो। लेकिन इस कहानी में
डिफरेंस वहाँ पर आया जब कहानी का एंडिंग किया गया उसके फादर जैक के द्वारा। कहानी का एंडिंग जैक जो किया था उसमें ये बात जो बतलाया था कि मदर स्कंक रॉजर स्कंक को ले के जाती है गुस्से में विजार्ड के पास और उसका स्मेल वापस से चेंज करा देती है, ओरिजिनल बैड स्मेल में उसको वापस से ले आती है, फिर उसको घर ले जाती है, फिर सब कुछ अकॉर्डिंग टू द बेसिक टेल होता है। लेकिन ये जो रॉजर स्कंक का स्मेल चेंज करने वाला पॉइंट जो था, मदर स्कंक का ओपिनियन, मदर स्कंक का एक तरह से इसको बोलो जबरदस्ती, उसके बेटे के स्मेल को, अच्छे स्मेल को खराब वापस पुराना वाला स्मेल कर दिया, ज़बरदस्ती पकड़ के ले गई। और जो को ये बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अंदर ही अंदर जो डरती थी कि जब पुराना बैड स्मेल वापस ला देगी मदर स्कंक तो जो फ्रेंडशिप्स बने हैं बेचारे रॉजर स्कंक का, फर्स्ट टाइम जो फ्रेंडशिप बने हैं वो फ्रेंडशिप फिर से टूट जाएंगे और फिर से रॉजर स्कंक अकेला रह जाएगा। ये डर था जो को, तो इसीलिए वो एंडिंग का पार्ट जो था स्मेल चेंज करने वाला, वो एंडिंग का पार्ट जो को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब कि एंडिंग में ये जो बताया गया कि रॉजर स्कंक का अच्छा स्मेल उसकी मदर ज़बरदस्ती चेंज करवा दी पुराने ओरिजिनल बैड स्मेल में, ये बात जो को सही नहीं लगा और जो यहाँ ऑब्जेक्शन करती है। और ये फर्स्ट टाइम था जब जो अपने फादर द्वारा सुनाए जा रहे स्टोरी में कोई बाधा डाल रही है, और हल्की फुल्की बाधा नहीं डाल रही है, रिजिड हो गई थी वो। हमने डिस्कस किया एक क्वेश्चन आंसर में ये बात कि वो ज़िद्दी, वो उसने ज़िद पकड़ लिया था जो ने कि नहीं आपको एंडिंग तो मेरे अनुसार करना ही पड़ेगा नेक्स्ट डे, ज़िद पकड़ ली थी एक तरह से वो इस स्टोरी को बाकी स्टोरीज से डिफरेंट करता है कि जो बाकी स्टोरीज रहते थे ठीक है उन स्टोरीज में जो कोई सवाल जवाब नहीं करती थी और जो भी फादर बोलते थे उस बात को वो ट्रुथ मान करके और एक्सेप्ट करती थी। लेकिन रॉजर स्कंक का स्टोरी का जो एंडिंग पार्ट जहाँ मदर ने ज़बरदस्ती उसका रोजेज वाला स्मेल चेंज करा के बैड स्मेल पुराना वाला वापस ला दिया, यहाँ पर इस एंडिंग से जो डिसएग्री करती है, मतलब जो इस एंडिंग से सहमत नहीं है, तो डिफरेंस एकदम एक लाइन में है कि बाकी सारे स्टोरीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था जो को, लेकिन आज वाला जो स्टोरी रॉजर स्कंक वाला स्टोरी जो सुनाया हो उसके फादर जैक ने, उस स्टोरी में जो एंडिंग था उस एंडिंग पर
जो ऑब्जेक्शन लगाती है, और जो का मानना ये रहता है कि मदर स्कंक गलत की थी अपने बेटे का रोजेज वाला स्मेल वापस से चेंज करवा करके, ठीक है। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी में जो एंडिंग था वो जो को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब जो को अच्छा नहीं लगा, जो एग्री नहीं थी इस एंडिंग से। इन द अदर स्टोरीज, जो बाकी स्टोरीज होते थे, द विजार्ड वुड सॉल्व रॉजर्स प्रॉब्लम। विजार्ड जो था बाकी कहानियों में, विजार्ड रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, मगर बट इन दिस स्टोरी रॉजर्स मदर गॉट हिज स्मेल चेंज्ड। बाकी जितनी कहानियां सुनाया था जैक, उसमें जब रॉजर स्कंक, मतलब रॉजर नाम का कोई भी क्रिएचर, जब मुसीबत में जाता था कोई प्रॉब्लम लेकर के सॉल्यूशन के लिए विजार्ड के पास, तो विजार्ड उसका सॉल्यूशन कर देता था। विजार्ड वुड सॉल्व रॉजर्स प्रॉब्लम, और रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद रॉजर बहुत खुश होता था हर स्टोरी में, और बाकी क्रिएचर्स के साथ खेलता था और शाम को टाइम से घर पहुंच जाता था खुशी खुशी। लेकिन इस स्टोरी में जब रॉजर घर पहुंचा, खुशी खुशी पहुंचा, तो उसकी मदर को उसका ये जो रोजेज वाला स्मेल था वो अच्छा नहीं लगा, और मदर ने क्या किया, उसका स्मेल को चेंज करा दिया। द स्कंक्स स्टोरी इन दिस रिगार्ड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स स्टोरीज टोल्ड बाय जैक। इसी रिगार्ड में कि जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था विजार्ड रॉजर का, और उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाता था, यहाँ पर इस स्टोरी में भी विजार्ड रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, पर जब, और रॉजर फिर खेलता भी है, हैप्पी भी होता है, लेकिन जब घर जाता है तो इस स्टोरी में उसकी मम्मी उसका रोजेज वाला स्मेल चेंज करवा के वापस बैड स्मेल करवा देती है, और ये जो को पसंद नहीं आता। इसी तरह से इन कारणों से ये कहानी, रॉजर स्कंक की कहानी, बाकी सारे स्टोरीज से अलग है, डिफरेंट है। बाकी सारे स्टोरीज में रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद फिर कोई ट्विस्ट नहीं आता था, कोई टर्न ट्विस्ट जिसको बोलते हैं ना, मतलब स्टोरी में कुछ मोड़ आ गया, एक नया मोड़ आ गया। तो पहले के स्टोरीज में कोई नया मोड़ नहीं आता था, हमेशा रॉजर स्कंक सॉल्यूशन के लिए, हमेशा रॉजर नाम का क्रिएचर सॉल्यूशन के लिए जाता था विजार्ड के पास, विजार्ड उसका प्रॉब्लम दूर कर देता था, रॉजर क्रिएचर खुश हो जाता था, खुशी खुशी खेलता था बाकी क्रिएचर्स के साथ, घर जाता था, ठीक है, डिनर करता था, सो जाता था। बाकी कहानियों में, तो बाकी कहानियों में जो को कोई आपत्ति नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन इस कहानी में आपत्ति कहाँ हो गया, आपत्ति हो गया जब रॉजर का स्मेल चेंज करा दिया उसकी मदर ने। यहाँ पर जो इस एक्ट से, मदर के इस एक्शन से सहमत नहीं थी, शी वॉज
नॉट एग्रीड. जब उसके फादर ने बताया कि उसकी माँ ले करके वापस जाती है और जाके वापस चेंज करवा देती है उसका बैड स्मेल, तो इस कहानी में जो ऑब्जेक्ट करती है और बोलती है कि नहीं, ये मदर ने गलत किया, मतलब इस कहानी में पहली बार जो अब राइट और रॉन्ग का मतलब डिसीज़न खुद लेने का कोशिश कर रही है, फादर के द्वारा बताए गए चीज़ों को पहले ट्रुथ समझती थी. लेकिन अब इस कहानी में क्या हुआ कि जो ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट क्यों लाना पड़ा था अगर ये पूछ दे तो पढ़े हुए लोग ही जवाब दे पाएंगे कि वो ट्विस्ट रॉजर इसलिए लाया था, उसका फादर जो का फादर जैक, वो ट्विस्ट इसलिए लाया था कहानी में क्योंकि उसने देखा था कि आधा कहानी सुन करके और बाकी का चीज़ उसकी बेटी अज्यूम कर ले रही है और उसका ध्यान कहानी से हट जाता है बेटी का और विंडो की तरफ देखते लगती है, तो ये बुरा लगता है जैक को, इसीलिए वो एक नया मोड़ दे देता है कहानी में. बोलता है कि जो आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो, बिकॉज देर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग नाउ, कि अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी में. और बताता है कि जब लिटिल स्कंक जब रोजेज वाले स्मेल के साथ खुशी खुशी अपने घर पहुंचा तो ट्विस्ट ये आया कि मदर को उसका रोजेज का स्मेल ऑफुल स्मेल लगा, बदबूदार लगा, और वो उसको जा करके बदलवा देती है. बस यही डिफरेंस है. यहाँ का एंडिंग जो है, ये बदलवाने वाला काम जो है, इससे जो डिसएग्री करती है. बाकी स्टोरीज़ में वो डिसएग्री नहीं करती थी, इस स्टोरी में वो डिसएग्री करती है. यही डिफरेंट है बाकी स्टोरीज़ में और रॉजर स्कंक के स्टोरी में. तो ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखना आंसर का और अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार फिर उसको लिखना. कंसेप्ट क्लियर रखने का मतलब की वर्ड और की सेंटेंसेस क्या हैं. पहला लाइन कि अभी से पहले जैक जितना भी कहानी सुनाता था जो को, वो सारा कहानी जो एक ट्रुथ के तरह लेती थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालती थी. लेकिन रॉजर स्कंक का स्टोरी का एंडिंग जब बताया जैक, तो यहाँ जो असंतुष्ट हो गई, डिससेटिस्फाइड हो गई, अगेंस्ट हो गई. दूसरे स्टोरीज में विजार्ड जो है वो रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, तो उसके बाद रॉजर खुशी खुशी बच्चों के साथ खेल के घर चला जाता था. लेकिन इस कहानी में रॉजर की माँ उसको वापस लेके आती है और उसका वापस पुराना बदबूदार स्मेल डलवा के घर ले जाती है, और ये जो के अनुसार सही नहीं था. यही डिफरेंस है बाकी कहानी में और रॉजर स्कंक के कहानी में जो हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में. अब नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22. थैंक यू.